हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राज यादव और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों, ये हमारे से रिलेटेड ये वीडियो रहने वाला है। बहुत सारे जो है कैंडिडेट की ये सवाल आ रहे थे कि EMRS में, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि वो अभी भी इस कन्फ्यूज़न में है कि किस किस स्टेट के कैंडिडेट इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जो पिछली वैकेंसीज़ आई हुई थी 2021 में, उसमें यही बताया गया था कि जो कैंडिडेट जिस राज्य में का निवासी है उसी राज्य से वो अप्लाई करेगा और उसकी जो पोस्टिंग होगी वो उसी राज्य में होगी, और जिस राज्य में EMRS की स्कूल्स नहीं हैं उस राज्य के कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ये 2021 के कंडीशन थे। तो क्या इसी प्रकार के कंडीशन 2023 में भी रखे गए हैं, और नोटिफिकेशन में क्या बातें लिखी हुई है? पूरे प्रूफ के साथ, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ आपको मैं ये बात जो है कन्फर्म करूँगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर इस तरह के वीडियो आपको रेगुलर बेसिस पर मिलते रहेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये ऑफिशियल PDF है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर PGT की वैकेंसीज आपको दिखाई दे रही हैं, और PGT के थर्ड लैंग्वेज वाली, यहाँ पर नॉन टीचिंग वाले। तो इस ऑफिशियल PDF में ये बात बताई गई है कि कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अदर इंस्ट्रक्शंस में ए पॉइंट पर यहाँ पर गौर करिएगा, ओनली इंडियन सिटीजन आर एलिजिबल टू अप्लाई। यहाँ पर साफ साफ शब्दों में ये लिखा हुआ है कि केवल भारतीय नागरिक ही इसके लिए अप्लाई करने के लिए पात्र हैं। कहने का ये मतलब है कि अगर आप भारत में किसी भी राज्य के निवासी हैं या भारत के टेरिटरी में कहीं के भी निवासी हैं, अगर आपके पास भारत में किसी भी स्थान का निवास प्रमाण पत्र है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक और बात, इसमें कहीं भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट की बात नहीं की गई है, यानी कि आपसे राज्य किसी राज्य में रहने का सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, इस बारे में यहाँ पर कोई जिक्र नहीं किया गया है। यहाँ पर सिर्फ इंडियन सिटीजन कहा गया है, यानी कि आप अगर भारत के निवासी हैं आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपके राज्य में EMRS का स्कूल है या फिर नहीं है, या फिर आप किसी ट्राइबल एरिया से आते हैं या रूरल एरिया से आते हैं, इससे इसका कोई मतलब नहीं। अगर आप भारत के निवासी हैं, चाहे आप किसी भी राज्य के हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ आप एक और पॉइंट पर देख सकते हैं, चैप्टर 1 जो इंट्रोडक्शन में दिया हुआ है, यहाँ साफ साफ यही लिखा हुआ है कि नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स NESTS, जो कि EMRS का एग्ज़ाम लेने वाली जो संस्था है, उसका यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया गया है। और यहाँ पर साफ बात कहा गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्वाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम इंडियन सिटीजन फॉर रिक्रूटमेंट ऑन डायरेक्ट बेसिस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन इन पोस्ट पर रिक्रूटमेंट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर इनवाइट कर रही है, यानी कि साफ साफ शब्दों में फिर से एक बार लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम इंडियन सिटीजन, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडियन सिटीजन से ये रिक्रूटमेंट के लिए एप्लीकेशन इन्वाइट कर रही है। तो यहाँ पर किसी पर्टिकुलर ऐसे राज्य का जिक्र नहीं है कि आपके राज्य में EMRS की स्कूल होनी ही चाहिए, ठीक है? तो साफ साफ आप ये समझिए कि आप इंडियन के नागरिक होने चाहिए और आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात ये आती है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ मिलेगी, ठीक है? तो पोस्टिंग के बारे में भी यहाँ पर जो है स्पष्ट रूप से दिया हुआ है। यहाँ पर N जो पॉइंट है उस पर आप एक नज़र डालिएगा, ठीक है? अपनी वीडियो की क्वालिटी एक बार बढ़ा लीजिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि द अलॉटमेंट, द फाइनल अलॉटमेंट टू द सिलेक्शन सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी मेड ऑन द मेरिट एंड वैकेंसीज। द सेलेक्टेड कैंडिडेट कैन बी पोस्टेड इन एनी EMRS अक्रॉस द कंट्री। यहाँ पर यह कहा गया है कि जो सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनको कंट्री में कहीं भी EMRS में पोस्टिंग दी जा सकती है, और यहाँ पर पोस्टिंग विल बी एट द सोल डिस्क्रिशन ऑफ NESTS, यानी कि NESTS के द्वारा ये डिसाइड किया जाएगा कि आपको किस EMRS स्कूल में पोस्टिंग दिया जाना है। यानी कि आपकी जो पोस्टिंग है, ज़रूरी नहीं कि आपके होम स्टेट में हो आपकी पोस्टिंग, और जिस तरह से KVS NVS में पोस्टिंग की प्रक्रिया होती है उसी प्रकार से EMRS में भी रखी गई है। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद संस्था तय करेगी, जो आयोग है वो तय करेगा कि आपको किस EMRS में पोस्टिंग दिया जाना है, चाहे वो आपका होम स्टेट हो, चाहे वो ऑल इंडिया में कहीं भी EMRS के स्कूल हैं वहाँ पर आपको पोस्टिंग दी जा सकती है। तो इस प्रकार की ये बात थी, और यही दो प्रश्न अभी बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। अगर आपके कोई डाउट हैं तो आप भी नीचे कमेंट में अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जैसे ही मुझे समय मिलता है मैं उसके बारे में आपको क्लियर करने का प्रयास करूँगा। तो आई होप ये जो प्रश्न थे वो आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों तक शेयर अवश्य कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।